कोरोना काल के बाद से ही ऑनलाइन पढ़ाई, नौकरी, मीटिंग्स और कोर्ट की सुनवाई का चलन तेजी से बढ़ा। जहां पहले ऑफिस में प्रोफेशनल ड्रेस कोड के साथ लोग अपना काम निपटाते थे, वहीं ऑनलाइन के दौर में लोग घर पर अव्यवस्थित और बेपरवाह अंदाज में ऑफिशियल काम करने लगे। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों को बेहद ही शर्मनाक पलों का सामना भी करना पड़ा। उनमें से एक है कोलंबिया की महिला जज, जिनको जूम ऐप पर सुनवाई करना महंगा पड़ गया। हुआ ऐसा कि 34 साल की महिला जज विवियन पोलानिया जूम मीट पर कोर्ट की सुनवाई कर रही थी। जज साहिबा ने पहले तो करीब एक घंटे तक अपना कैमरा बंद रखा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस महिला जज का कैमरा ऑन हो गया और कैमरे पर कुछ ऐसा नजर आ गया कि जज साहिबा अभी तक उसकी सफाई देने में लगी हैं। दरअसल हुआ यूं कि महिला जज ऑनलाइन सुनवाई के दौरान बिस्तर पर अर्धनग्न हालत में सिगरेट पीती हुई देखी गई थी, जिसके बाद न्यायिक अनुशासनात्मक आयोग ने उन्हें आपत्तिजनक कृत्य और अपने ड्रेस कोड का भी उल्लंघन करने का दोषी पाया और आयोग ने पोलानिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। जिसके बाद पोलानिया ने अपनी सफाई में कहा था, मैं बिस्तर पर जरूर थी क्योंकि वो ब्लड प्रेशर और घबराहट की समस्या से जूझ रही थी, लेकिन उसके हाथ में सिगरेट नहीं थी। बता दें कि पोलानिया इस घटना से पहले से ही सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहती थी, जहां वो अपनी बोल्ड और भड़काऊ तस्वीरें साझा करती रहती थी। लेकिन अपने सस्पेंशन के बाद पोलानिया ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। पोलानिया का 3 महीने का सस्पेंशन वैसे तो फरवरी में ही खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी वापसी को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।